हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मैंने आपको एलजेब्रा में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, जितना भी बेसिक था लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से सब कुछ निकालना सिखा दिया है। स्क्वायर भी, क्यूब भी, पावर फाइव भी और फोर भी मैंने आपको निकालना सिखा दी है, और उसके बाद हम रिवर्स भी जाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर है तो हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे। आज हम सेकंड टाइप सीखेंगे दोस्तों, जब आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स दिया होगा और हमसे क्या पूछा होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमने बात नहीं की थी, तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप इसका। तो सेकंड टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको क्या गिवन होगा, जिसमें हमें x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन होगा। जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं पहला और उसी से समझते हैं कि अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है जैसे फाइव, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, x माइनस वन अपॉन एक्स हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ज्यादातर बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे इसको निकालने वाले हैं, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइव दे रखी है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा। तो अगर हम इससे क्या निकाल लें, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालें, तो आप सभी को पता है इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस कर देते हैं टू, तो पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस में से आपका दो चला जाएगा तो कितना जाएगा तेईस, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, तेईस। ये बात तो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं एलजेब्रा की, अगर नहीं देखिए तो वो देख लेना। अब अगर आपको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो देखो एक बार हम क्या करते हैं मैथड से बता देते हैं। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास था, अगर आप टू इधर सब्ट्रैक्ट कर लें और टू ही इधर सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर किया जा सकता है, यहाँ पर आपका जाएगा ट्वेंटी वन। क्यों किया जा सकता है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट ही देगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये टू अपनी तरफ से किया था जब हम कर रहे थे, तो आपको पता है कि हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये माइनस का ही बचता जो कि उधर जाकर प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पर माइनस होगा तो वो प्लस बन जाता है। अब बात यह आती है कि अगर इतना हो गया तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, आप देख रहे हैं ये x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो कि 21 के बराबर है। क्या है 21 के बराबर है, अगर आप यहां से x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 21 आएगा। अब हम एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो हम इसे करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो जब आपने ये निकाल ही लिया है और आपको पता है कि हमें कहां जाना है, माइनस वाले में जाना है, तो बस आपको दो इसमें से माइनस करना है और अंडर रूट निकाल देना है। तो बस जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 23 है, इस 23 में से दो माइनस करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है 21। प्लस माइनस आपको पता है रूट के आगे होता है तो निकाला जा सकता है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो डायरेक्ट हम इसका दो स्टेप में निकाल पाएंगे, अगला क्वेश्चन में हम इसे भी डायरेक्ट निकालेंगे, एकदम लिखने की जरूरत भी नहीं है, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये वाला, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना है, माइनस दो करना है, फिर माइनस दो करना और अंडर रूट निकालना, इतनी सी तो बात है। कब, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही इजी है इसे करना, बस आपको थोड़ा सा तरीका आना चाहिए, और अगर एग्जाम में आप भूल भी जाते हैं तो आपको बेसिक आता है, बेसिक से कर लेना। तो चलो सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि आप इससे खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार वो हमें यहाँ माइनस दे देगा दोस्तों, जहां पर मैंने प्लस लिया है, और प्लस पूछ लेगा, अभी हमें क्या दिया था, प्लस दिया था और माइनस पूछा था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास यही है कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल फाइव दे दिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल फाइव है, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल कितना है, फाइव। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन अपॉन एक्स हमसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से क्या निकालना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, यहां माइनस है तो याद रखना प्लस होगा, पांच पंजे पच्चीस, पच्चीस में दो जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा सत्ताईस, तो आपके पास ये सत्ताईस आ गया। और आपको पता है प्लस वाला लाना है तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 27 प्लस 2, याद रखना, तो ये कितना हो जाएगा 29। क्यों आया आपको पता है, जब माइनस था तो घटाते हैं, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, यहां उल्टा होता है, यहां पर रिवर्स होता है कि अगर पांच का स्क्वायर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, है ना। ये तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं, आप जाके वहां से सीख लेना, ये निकालना बहुत इजी है, आपको एक
पल नहीं लगेगा ऐसे निकालने के लिए, बस बाद में क्या रखना है, अगर प्लस वाला है तो प्लस करके अंडर रूट निकाल लो, तो माइनस वाला करना है तो माइनस करके निकाल लो अंडर रूट दो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या क्या निकालना आ गया, अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन x की फॉर्म दी हुई है और x माइनस वन अपॉन x पूछा है, या फिर x माइनस वन अपॉन x की फॉर्म दी हुई है और x प्लस वन अपॉन x आपसे पूछा है, तो आप दोनों निकाल पाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं दोस्तों वो है x प्लस वन अपॉन x, क्या है थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वन अपॉन x इक्वल थ्री। कितना दिया दोस्तों, x प्लस वन अपॉन x इक्वल थ्री, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब, तो हमसे पूछा x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब निकालना सीखा होगा। हम इसे कब निकाल पाते थे, जब हमारे पास x माइनस वन अपॉन x होता है, होता है नहीं होता है, जब आपके पास x माइनस वन अपॉन x इक्वल p दिया होता है या t दिया होता है, तो आप जानते ही होता है टी क्यूब प्लस थ्री टी, ये कितना होता है टी क्यूब प्लस थ्री टी, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब आपका ये होता था। अब हमारे पास तो यहाँ प्लस है, तो देखो दो कंडीशन आपके पास बन गई, क्या क्या बनी, एक तो आपको x माइनस वन अपॉन x निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये निकलेगा। तो पहले कंडीशन आपको मैंने अभी सिखा दी कि x माइनस वन अपॉन x कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो सब निकाल कर मुझे बताओ कि इसका कितना आ जाएगा। तो देखो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, आपको पता है कि इसका स्क्वायर करना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस वाला है तो इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन तो सेवन आ जाएगा। अब ये करने के बाद ये निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल सेवन दिया है, और ये निकालना है तो दो हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपके पास अंडर रूट फाइव। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ये होता है, देखो इसे निकालने के लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, और फिर अब ये निकाला जाएगा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है याद भी रखना, ठीक है, कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, अब और ये। अब ये निकालने के लिए देखो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बता चुका हूं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर हमारे पास टी है तो हमें टी क्यूब माइनस थ्री टी करना पड़ेगा, और टी की जगह कौन लिखा है, देखो अंडर रूट फाइव। तो अगर अब आप यहां निकालेंगे, तो ऐसे नीचे वाले को रफ कर रहा हूं, तो आप यहां लिख पाएंगे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होता है दोस्तों वो होता है टी क्यूब प्लस थ्री टी, यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस। अब टी का क्यूब करो अंडर रूट फाइव का क्यूब प्लस थ्री, और टी कौन है अंडर रूट फाइव है दोस्तों, टी कौन है अंडर रूट फाइव है। अब देखो यहां पर पांच का क्यूब करेंगे तो आएगा पांच अंडर रूट फाइव प्लस थ्री अंडर रूट फाइव, पांच तीन आठ, यानी कि एट अंडर रूट फाइव ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो बताओ यहां कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होगी, बस आपको याद रखना है कि हमें क्या निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब अगला भी देखो हम करने वाले हैं, मैंने आपको तीनों कंसेप्ट बता दिए हैं, ठीक है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख लेते हैं, जो कि आपको दिया है दोस्तों एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, पहले क्या दिया था प्लस में दिया था, अभी माइनस वाला है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल हमें कितना दिया है दोस्तों, इसमें भी हमें थ्री दिया हुआ है, और हमसे वही पूछा है कि एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। देखो माइनस का पूछता था तो बहुत आसान होता, होता है नहीं होता, लेकिन हमसे उसने प्लस का पूछा है, जानबूझ के पूछा है, अगर माइनस का पूछा होता तो टी क्यूब माइनस थ्री टी है ना, तो सत्ताईस माइनस नौ घटा देते अठारह आंसर आ जाता, लेकिन हमसे इसने पूछा क्या है प्लस का, और प्लस का दोस्तों हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास टी होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी क्यूब माइनस थ्री टी करना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, यानी कि इसे निकालने के लिए पहले मुझे इस पर जाना पड़ेगा, और इसे भी निकालने के लिए मुझे इससे पहले वाला स्टेप करना पड़ता है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो देखो पहले हम ये निकालेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, और फिर यहां पहुंचेंगे, तो ये तीन स्टेप हैं, ये आपको कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस से करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखो अगर हम इससे क्या निकालना चाहते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको पता है बड़े प्यार से निकाला जा सकता है, तीन तीन नौ और दो ग्यारह, तो ये तो ग्यारह आ गया दोस्तों, पहली कंडीशन तो हमें मिल गई, यहां पर हम पहुंच गए हैं। अब ये लाना है, क्या लाना है,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कब आएगा दोस्तों, जब हम इसमें दो और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, दो और जोड़कर अंडर रूट निकाल लेंगे। तो एक्स प्लस जो वन अपॉन एक्स होगा, क्योंकि हम प्लस वाला लाना चाहते हैं तो दो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट 13 हो जाएगा। माइनस वाला लाना था तो घटा कर देखो, वो 3 आ जाता है, आपको पता है। अभी प्लस वाला आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट 3। और अगर हमें ये निकालना है और हमें ये पता है तो बहुत ही आसान होता है, 13 क्यूब माइनस 3t यानी कि 13 अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको सभी को पता होगा, ये हो जाएगा 13 अंडर रूट 13 माइनस 3 अंडर रूट 13, और यहां कैंसल आउट हो जाएगा या घट जाएगा आप कहेंगे तो अंडर रूट 13, यानी कि 10√13 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो निकालना तो आसान है, बस शर्त यह है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ये निकालने के लिए, ये जो वैल्यू है ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। अगर आपको पता है कि हमें ये चाहिए तो आप आसानी से कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ घूमते रह जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा आपको, फिर ये निकलेगा जाके, ये नहीं कि डायरेक्ट आप इससे ये निकाल पाओगे। तो ये बात याद रखना, तभी कर पाओगे जब आपको समझ में आएंगी चीजें, और आएंगी कब, जब आप बार बार रिवाइज करोगे। तो अगला और क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके पास अगला क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप करके देखना, ट्राई करो खुद। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 5 दोस्तों, वो ये है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल हमें 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमें क्या दिया है दोस्तों, 7 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हमसे पूछा है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हमसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को करने में ना, अगर आपको इसका तरीका नहीं पता तो आपको आएगी दिक्कत। वो क्या दिक्कत आएगी कि यार एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम क्यूब से वापस रिटर्न करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, है ना। तो क्यूब से रिटर्न करने की कोई जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है, आप इस एक्स क्यूब को क्या मान लो, पी प्लस, इसको भी पी माना, एक्स क्यूब को पी इक्वल 7, यहाँ पर क्या किया, पी इक्वल हमने एक्स क्यूब माना है दोस्तों, पी इक्वल क्या माना है, एक्स क्यूब। अब आपके पास पी प्लस वन अपॉन पी की वैल्यू 7 है और आपको पी माइनस वन अपॉन पी की वैल्यू बतानी है, तो बताओ क्या अब हार्ड है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई है। क्यों हो गई है, देखो ऐसी फॉर्म में देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि p प्लस वन अपॉन पी इक्वल 7, पी को हमने x क्यूब माना है दोस्तों, तो आपके पास p प्लस वन अपॉन पी की वैल्यू है। और अब हम इससे क्या करेंगे, देखो दोस्तों इससे हम करने वाले हैं कि पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर कितना होगा, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर जो आपके पास होगा वो 749 में से आपके कितने घट जाएंगे, 2, तो 47 होगा। और 47 से ये निकालना बहुत आसान है, आपको पता है कि क्या है, माइनस करना है तो 2 अंडर रूट करके घटा देंगे, यानी कि पी माइनस वन अपॉन पी निकालना बहुत आसान है, 47 में से आपको 2 घटा देना है तो 45 क्या आ जाएगा दोस्तों, 45। और आप जानते हैं हमने पी किसको माना था, एक्स क्यूब को माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया, लेकिन कब किया, जब आपको थोड़ी सी भी अप्रोच आती है। अगर आप इसी सवाल को वैसे करने की कोशिश करेंगे कि हम इससे डायरेक्टली बनाएं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जब भी बड़ी पावर दिखाई दे तो कुछ ना कुछ मान लें, जैसे हमने एक्स क्यूब को पी माना प्लस ऐसे रहा वन अपॉन पी इक्वल 7, तो ये भी तो देखो कन्वर्ट हो जाएगा, पी माइनस वन अपॉन पी पूछा। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल की फॉर्म पता होती है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कैसे निकालते हैं, पहले स्क्वायर करो घटा लो और उसके बाद फिर आपको पता चली जाएगा। देखो जैसे हमने स्क्वायर किया 47 आ गया, ये आने के बाद आपको पता है अगर माइनस में जाना है तो माइनस 2 करके अंडर रूट निकाल लो, प्लस में जाना तो प्लस 2 करके अंडर रूट निकाल लो। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास ये होगा, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल में दे रखा रूट 5। क्वेश्चन नंबर 6 x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट 5 हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और हमसे इसमें पूछा क्या है, और हमसे इसमें पूछा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, नहीं x की पावर 4, सॉरी हमसे पूछा है कि x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा, ये हमसे सब चीजें पूछी हुई है। अब बात ये आती है कि x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे निकालेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स है हमारे पास तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे, क्या करेंगे बाद में बात करेंगे कि यार x की पावर 4 और 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 कैसे निकाला जाएगा। तो आप कैसे ऐसे नहीं लिख सकते, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आप इसे लिख पाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, लिख पाएंगे या नहीं, और साथ में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, एक बार ऐड करने पर एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर। और अब आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसको ऐड कर दें एक बार तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और आप ये सारी चीजें इनसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहली चीज अगर हम निकालें कौन भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करना है और क्या कर देना है, दो घटा देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो आएगा आपके पास वो पांच में से भी दो चले जाएगा तो तीन आ जाएगा, कितना आ जाएगा तीन। अब इसके बाद ये तो वैल्यू आपके पास पता है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, ये हम कब निकाल पाएंगे जब आपको पता है कि माइनस लाना, तो इसमें माइनस दो करना पड़ेगा और फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो आएगा वो आएगा थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू इक्वल वन। तो देखो आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई, इसकी वैल्यू भी मिल गई, और इसकी तो वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है थ्री, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है अंडर रूट फाइव, और इसकी वैल्यू कितनी है वन, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री अंडर रूट फाइव, और यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व भी करने पड़ते हैं तब जाके उसका आंसर आता है। तो देखो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या सवाल है आपके पास। हमारे पास था x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट फाइव, हमसे पूछा था x की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर क्या होगा। सबसे पहले मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होता है एक बार ऐड करने पर एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, तो फिर से लगा दी। अब हमें ये तीन चीजें चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये तीन चीजें चाहिए होती है, और ये तीन चीजों को क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट फाइव, तो स्क्वायर निकालना कौन सी बड़ी बात है, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना भी कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों मैंने आपका बेसिक बिल्कुल खत्म कर दिया है, कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।